नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम योग करेंगे महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में फर्टिलिटी कहा जाता है। आज का वीडियो महिलाओं के लिए है, लेकिन अगले शनिवार पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए वीडियो आएगा। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये कि आपको फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या है या नहीं है, और ये जानने के लिए आपको अपने शरीर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको नहीं चाहिए तो आप सीधे योग के सेक्शन में जा सकते हैं, जिसका समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आप एक साल से ऊपर प्रयास कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं किया है, या फिर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आपने 6 महीने से ज़्यादा प्रयास किया लेकिन गर्भधारण नहीं किया, ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी स्वस्थ जोड़े को एक साल से ऊपर यानी कि 12 महीने तक लग सकते हैं गर्भधारण करने में। महिलाओं को कंसीव करने के लिए 3 अंगों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो चित्र दिया गया है उसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला अंग होता है अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में ओवरीज कहा जाता है। ये हमारे शरीर में 2 होती हैं। दूसरा हुआ गर्भनली, अंग्रेजी में इसको फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। और तीसरा अंग होता है गर्भाशय, जिसको अंग्रेजी में यूट्रस कहा जाता है। ओवरी से जो एग निकलते हैं वो हमारी गर्भनली में जाके फर्टिलाइज होते हैं, और फाइनली हमारे यूट्रस में जाकर के जो बच्चा है, जो बेबी है, उसका पूरा विकास होता है। तो ये 3 अंग हैं जिनका स्वस्थ होना गर्भधारण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनमें से किसी भी एक अंग को प्रभावित करने वाली स्थिति महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है, जिसको पता करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरीज की। जैसा मैंने बताया कि इसमें एग्स बनते हैं, तो जो हर महीने एग बनता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। अगर आप में ये ओव्यूलेशन अनियमित हो रहा है या फिर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको गर्भधारण में परेशानी आ सकती है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है PCOS या फिर PCOD। ये होता है आपके हार्मोन के असंतुलन के कारण। 2 तरीके होते हैं जिससे आप पता कर सकती हैं कि आपके जो ओव्यूलेशन है वो नियमित हैं या नहीं। पहला, जो होम टेस्ट होता है ओव्यूलेशन किट, आप मार्केट से आसानी से ले सकती हैं, जिससे आप पता कर सकती हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। उसमें दिया होता है कि कैसे आपको उसको टेस्ट करना है। ये आप अपने साइकिल के 10वें या 11वें दिन से शुरू कर सकती हैं। दूसरे तरीके में आपके खून की जांच की जाती है, जो आपको डॉक्टर के पास जाकर के ही करानी चाहिए। इसमें आपके 3 टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है FSH, दूसरा होता है AMH और तीसरा होता है AFC, जो कि अल्ट्रासाउंड से होता है। इन टेस्ट को करके हम ये पता करते हैं कि हमारे ओवरीज में कितने हेल्दी एग्स बचे हुए हैं। तो ये बात हुई अंडाशय की। अब बात करते हैं गर्भनली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की। इसमें जो मोस्टली दिक्कत आती है वो होती है ब्लॉकेज की, जिसको आप HSG टेस्ट करा करके पता कर सकते हैं। वो भी आपको डॉक्टर के पास ही जाके कराना चाहिए। तीसरा अंग हुआ गर्भाशय यानी कि यूट्रस। जब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, एंडोमेट्रियोसिस जैसी दिक्कत आती है, तो भी आपको गर्भधारण करने में दिक्कत आती है, क्योंकि यूट्रस में जो अंदर लेयर होती है जिसमें बच्चे का विकास होता है, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये दिक्कतें आती क्यों हैं और इनका मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है वो होता है अनुवांशिकी, जो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परदादाओं से विरासत में, जीन्स में मिलता है। और दूसरा कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लेते हैं या हटा देते हैं, तो उससे हमारी प्रजनन क्षमता ज़रूर बढ़ती है। जैसे धूम्रपान, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल भी आपको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए अगर आप लेते हैं, वरना अगर आप पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे तो और भी अच्छा है। तीसरी चीज़ होती है आपका वेट, आपका BMI। आपको ओवरवेट होने पर भी दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली अगर आपको PCOS या PCOD है। तीसरा कारण हमारी बढ़ती हुई उम्र होती है। 30 साल के ऊपर होने के बाद हमारे ओवरीज में एग का नंबर और क्वालिटी दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ तनाव एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिस तरीके की हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है। और आखिर में हुआ खानपान, जो आप खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, आपकी चॉइसेस, वो भी बहुत ज़्यादा
मैटर करती हैं जब आप कंसीव करने का ट्राई करते हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, मकसद सिर्फ इतना था कि ये डिसाइड करें कि हमें फर्टिलिटी से जुड़ी कोई समस्या है, उससे पहले ये जानकारी रखें, टेस्ट कराएं, डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में बात कीजिए। अब बात करते हैं कि योग का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में अगर हम कंसीव करना चाहते हैं, गर्भ धारण करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप योग अभ्यास रोज़ाना करते हैं तो आपके सारे अंगों में रक्त का संचार बढ़ता है। जो आसन आज मैं कराऊंगी वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो प्रजनन प्रणाली है, उसके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा, जब आप योग रोज़ाना करते हैं तो आपका ओव्यूलेशन यानी कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है, आपकी यूट्रस की हेल्थ, आपके फैलोपियन ट्यूब्स की हेल्थ वो बढ़ती है, पीरियड्स आपके नॉर्मल हो जाते हैं। तीसरा जो फ़ायदा होता है वो ये आपके हॉर्मोन्स को संतुलित करता है। चौथा, आपका जो तनाव होता है, जो मैंने बताया था एक कारण है कंसीव करने में जो दिक्कत देता है, वो आपका कम होता है। मेडिटेशन, प्राणायाम जब आप रेगुलर करते हैं, आपका मन शांत होता है, आपका शरीर शांत होता है, इसके कारण आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। चौथा, योग करने से आपका मोटापा नहीं बढ़ता है, जिसके कारण आपकी यूट्रस की हेल्थ अच्छी होती है, जिससे मिसकैरेज होने के चांसेस कम होते हैं। तो जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है, चलिए साथ में योग शुरू करते हैं। आज का सेशन साथ में करने वाला है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ आप उसी तरीके से निर्देशन का पालन करते जाइए। तो इस तरीके से आप सुखासन में सबसे पहले बैठ जाएं। सबसे पहला जो आसन आज हम करेंगे वो है बद्ध कोण आसन। ये आसन मैंने बहुत बार सिखाया है और इस आसन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन में बैठना होता है। सुखासन से फिर हम बद्ध कोण आसन में जाएंगे। यहाँ पर इस आसन में हमें 10 लंबी गहरी सांसें लेनी हैं। बद्ध कोण आसन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपने जो दोनों पैर हैं उसके तलवों को आपस में अच्छे से जोड़ना है, इस तरीके से। इसके बाद अपने दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे, अपने ग्रोइन एरिया के, इस एरिया के पास में। तो आप जितना पास लेके आ सकते हैं उतना आपको पास लेके आना है। अगर आपका पैर यहाँ रुकता है तो आपको ज़बरदस्ती उसको नहीं खींचना है, धीरे धीरे आपका जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे। लेकिन बद्ध कोण आसन में आपकी जो एड़ी है वो ग्रोइन एरिया के जितना पास होगी उतना ये आसन आपको फ़ायदा देगा। तो आपको इस तरीके से पास लेके आना है, दोनों हाथों से इस तरीके से अपने अंगूठों को पकड़ेंगे, बाहें एकदम सीधी, छाती एकदम सामने निकालेंगे, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ 10 लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांस अंदर, धीरे धीरे सांस लीजिए। सांस अंदर और बाहर। सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर। धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। बद्ध कोण आसन में रहिएगा, थोड़ा सा पैर को आगे कीजिए, इस तरीके से। अब हम कर लेंगे बटरफ्लाई, जो आपको 50 से 100 बार करना है। तो रुक रुक के भी आप कर सकते हैं या फिर लगातार ही कीजिए, लेकिन बटरफ्लाई मैंने देखा है बहुत बार लोग बहुत ज़ोर से करते हैं। आपको बहुत आराम से करना है, क्योंकि आसन ज़ोर से करने से उसका फ़ायदा उतना नहीं होता है जितना आप सांस के साथ लय में धीरे धीरे करते हैं। तो जैसे सांस अंदर ली, दोनों पैर ऊपर उठाए, और सांस छोड़ी, पैर नीचे, ये तरीका होता है। तो आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। ब्रेक जहाँ भी लेना है आप ले लीजिए, आपको 50 से 100 बार ऐसे करना है। चलिए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से। आंखें बंद कर लीजिए।
फिर से शुरू करते हैं, सांस अंदर बाहर पांव नीचे, इस तरीके से। धीरे से हाथों को वापस लेके आइए और फिर सुखासन में आइए। तीसरा आसन हम करेंगे मर्जरी आसन, बितली आसन, कैट काउ पोज। ये भी बहुत अच्छा आसन है। जो भी आसन मैं आज करा रही हूँ वो बिगिनर्स सब फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सुखासन में ही बैठे रहना है, लेकिन आपको आना है टेबल टॉप में। तो टेबल टॉप में आने के लिए आपको दोनों जो हाथ हैं वो सामने रखने होंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो जो आपका कंधा है और जो आपका हाथ है ये एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं जाएगा, इसको आपको सीधे ही रखना है और आपकी जो दृष्टि है वो एकदम सामने रहेगी इस तरीके से। पांव सीधे और पैर देखिए रिलैक्स रहेगा। सामने टेबल टॉप में आने के बाद सांस भरते हुए आपको ऊपर देखते हुए जाना है, लेकिन जो आपकी बैक है वो नीचे की तरफ झुकेगी। ये एक बार आपको करके दिखाती हूँ। सांस लीजिए, ये देखिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो नीचे आते जाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए पीठ गोल घूम जाएगी। जो आपकी थुड्डी है, चिन है, वो आपकी छाती से लगनी चाहिए इस तरीके से। सांस अंदर 5 बार कर लेंगे, अच्छे से यहाँ पे रुकें, फिर सांस छोड़ें और वापस। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे से टेबल टॉप में आप वापस आ जाएं, हल्के से वापस हाथों को लेके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे चक्की चलान आसन। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको बैठना है दंडासन में। तो दंडासन में आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से ऐसे पैरों को हम आगे करके बैठते हैं ये दंडासन कहलाता है। बस दंडासन में आपको जो अपने पैर हैं वो एकदम सीधे रखने होते हैं, आपके टोज एकदम एक्टिव रहेंगे, आपकी जो बैक है वो सीधी रहेगी। तो जब आप दंडासन में बैठें तो एक बार अपने हिप्स के नीचे से जो फ्लैश है उसको उठा करके अच्छे से बैठेंगे। इसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें गोल गोल चक्कर लगाने हैं। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे, फिंगर्स हमने इंटरलॉक की हैं, ठीक है। सांस भरिए, छोड़ते हुए थोड़ा आगे आएंगे और इस तरीके से छोड़ते हुए फिर पीछे जाते हुए सांस को लेना है, फिर छोड़ना है, ठीक है। सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे, और आपको अच्छा गोल चक्कर लगाना है। तो हम लोग 5 बार ऐसा करेंगे क्लॉकवाइज। तीसरा राउंड लग रहा है। ये बहुत अच्छा आसन है आपकी ओवरीज के लिए। सामने आए और फिर उसके बाद लास्ट राउंड, बीच में रुक जाएं, हाथ नीचे। यही सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ करनी है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। सांस भरिए, छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जितना हो सके पीछे जाएं और जितना हो सकता है आप आगे आते जाएंगे। तीसरा, चेहरे पे स्माइल रखें और आराम आराम से करें। सेंटर में आने के बाद सामने देखें और धीरे से फिर हाथ को नीचे रख दें। तो अभी हमने 5-5 के 2 राउंड लगाए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 2 बार और करना है। चलिए फिर क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। सांस अंदर, छोड़ते हुए बाहर, 1,
इस तरीके से, दो तीन चार पांच, सेंटर में आ जाए हाथ नीचे। तो ये क्लॉकवाइज हुआ, अब एंटी क्लॉक कर लेंगे, हाथ वापस, सांस अंदर छोड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में, एक दो तीन चार पांच, चलिए अब करते हैं तीसरा राउंड, फिर से क्लॉकवाइज, सांस भरिए, छोड़ते हुए घुमाइए, एक दो तीन चार और फिर पांचवा। अब करेंगे आखिरी पांच एंटी क्लॉक, हाथ सामने, सांस अंदर छोड़ते हुए, एक दो तीन चार पांच, धीरे से फिर हाथ नीचे आ जाएगा, पहले दंडासन में आएंगे, फिर धीरे से सुखासन में आके आपको बैठ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, जिसके लिए फिर से आपको दंडासन में ही बैठना है, इस तरीके से। इस तरीके से बैठने के बाद आपको क्या करना है, एक पैर फोल्ड करना है। तो मैं लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ, मैंने लेफ्ट पैर को ऐसे फोल्ड किया और जो मेरा एंकल है वो बिल्कुल नी के सामने है। नी के सामने होने के बाद इसको आप हल्के से यहाँ पे प्रेस करें और ये वाला हाथ आपको यहाँ पे रखना है, इस तरीके से। दूसरा हाथ पीछे जाएगा और यहाँ पे होल्ड, एक दो तीन चार पांच, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं रोकनी है और धीरे से फिर वापस आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपका जो अंगूठा है वो पूरे समय एक्टिव रहे और जो आपकी पीठ है वो भी एकदम सीधी रहनी है। दूसरी तरफ कर लेते हैं, पैर देखिए एक्टिव, इस पैर को यहाँ रखा, इस हाथ से इसको हल्का सा प्रेस किया, पीठ एकदम सीधी, घूमते हुए जाएंगे और पीछे देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धीरे से वापस आ जाएंगे हाथ नीचे और ये वाला भी पैर धीरे से नीचे। तो चलिए अब करते हैं हम सातवां आसन, जिसका नाम है धनुरासन, जिसके लिए आपको पेट के बल मैट पे लेटना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, हम तीन बार करेंगे तो आपको इस तरीके से लेटना है, ठीक है। सर नीचे, हाथ पीछे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ इस तरीके से जाएगा, कंधे खोल दिए, सांस भरेंगे, सामने देखेंगे, पैर उठाएंगे और इसके बाद एकदम ऊपर इस तरीके से करेंगे होल्ड। नीचे दो बार और करेंगे, चलिए दूसरी बार करते हैं। पैर मोड़ा, इस तरीके से पकड़ा, दूसरा, सांस भरें, कंधे खोलें इस तरीके से, पांव नीचे, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तीसरी बार पैर फिर से मोड़ेंगे,
सामने देखेंगे, सांस भरिए, आपको सांस नॉर्मल लेते रहने हैं। सेतु बंध आसन, ये आसन बहुत अच्छा है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है, तो पीठ के बल लेट जाइए। इस तरीके से हमें लेटे रहना है। इसमें 5 बार हम हिप को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। सांस भरते हुए हिप ऊपर जाएगा, छोड़ते हुए हिप नीचे आएगा। 5 काउंट के बाद हमें 5 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करके रखना है। तो आप मेरे साथ साथ कीजिए, इस तरीके से सांस भरिए हिप ऊपर, सांस छोड़िए हिप नीचे, फिर सांस भरिए, सांस छोड़िए हिप नीचे, सांस भरिए हिप ऊपर, सांस छोड़िए हिप नीचे, सांस भरिए हिप ऊपर, इस बार 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ऊपर ले जाइए हिप, सांस भरिए, होल्ड। अब ये दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस नॉर्मल लेते रहेंगे और फिर धीरे से हिप्स को नीचे लेके आएंगे, दोनों पांव नीचे। सुप्त बद्धकोण आसन, ये आखिरी आसन है जो आपको करना है। इसके लिए आपको एक पिलो यानी कि एक तकिया चाहिए होगा। तो इस तरीके से बैठना है, तकिया जो आपका कूला है उसके बीच में बिल्कुल रहेगा, सामने देखेंगे, और हाथों की मदद से धीरे धीरे इस पर लेटना है, ठीक है, इस तरीके से। सर एकदम रेस्ट करा दें। अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से पहले जोड़ना है, जैसे बद्धकोण आसन में हमने पैरों के तलवों को जोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सुप्त बद्धकोण आसन, सुप्त का मतलब होता है लेटे हुए, तो हम बद्धकोण आसन ही कर रहे हैं लेकिन लेट के कर रहे हैं। तो सुप्त कोण बद्धकोण आसन में हमें ये दोनों पैरों को खोलना है इस तरीके से। ये देखिए पाँव के जो तलवे हैं वो एकदम मिले हुए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो जांघें हैं इसके नीचे भी तकिया रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ यहाँ पे रह सकते हैं, नीचे रह सकते हैं या फिर पीछे इस तरीके से। सांसें आपको धीमे धीमे लेनी है, आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ पे आराम से 1 से 2 मिनट तक रिलैक्स कीजिए। लंबा गहरा सांस, धीरे से दोनों पैरों को जोड़ दें और जैसे हम लेटे थे वैसे ही वापस उठेंगे, लेकिन इस बार हल्का सा करवट लेके आपको धीमे से वापस आना है। तो योनि मुद्रा करने के लिए आपको जो दोनों हाथ हैं वो इस तरीके से रखने हैं। ये देखिए, ये जो 3 उंगलियां हैं ये वाली, ये आपस में इंटरलॉक होंगी, और जो तर्जनी उंगली है इंडेक्स फिंगर, वो इस तरीके से टच करेगी, अंगूठे दोनों टच करेंगे, अंगूठे ऊपर की तरफ खींचे हुए, उंगली नीचे। तो ये देखिए इस तरीके से योनि मुद्रा सामने से दिखाई देती है, और इसके बाद आपको ये मुद्रा इस तरीके से रखनी है। इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली हमेशा ज़मीन की तरफ फोकस रहेगी, इसको कभी आप इस तरीके से नहीं कर सकते या इस तरीके से नहीं कर सकते, ये हमेशा नीचे ही रहती है। तो सामने देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, धीरे से आंख खोल दें और फिर हाथ आ जाएंगे वापस। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लें, 3 बार ओम का जाप करेंगे, सांस अंदर, सांस अंदर,
फिर से अंदर आशा करती हूँ कि आज का जो योग अभ्यास है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर अभ्यास कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर आपको किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।